हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस डीआईवाई में मैंने कोकोनट यानी नारियल को एक डिफरेंट वे में डेकोरेट किया है। इस कोकोनट को आप अपनी पूजा या वेडिंग फंक्शंस में यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको कोकोनट का डेकोरेशन का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गणेशा को बनाने के लिए मैंने अपने फेस पाउडर के ऊपर के ढक्कन को लिया है और अब मैं इसे वेलवेट फैब्रिक से कवर कर लूँगी। यहाँ पर मैं मरून कलर के वेलवेट फैब्रिक को स्टिक कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पर जिस भी कलर का वेलवेट अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। किसी भी तरह के राउंड बॉक्स का ढक्कन ले सकती हैं और उसे अच्छी तरह से चारों ओर से वेलवेट फैब्रिक से कवर कर लें। की बाउंड्रीज पर गोल्डन लेस को स्टिक कर रही हूँ ताकि ये और अच्छा और शाइनी लगे। आप यहाँ पर आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो उसका यूज कर सकती हैं। स्टिक करने के बाद अब हम इस कोकोनट को भी वेलवेट फैब्रिक से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आप अच्छी तरह से इस ग्लू गन को इसके चारों साइड लगाकर इसे चारों ओर से अच्छी तरह से कवर कर लें ताकि हम इस बाद में इसके ऊपर गणेश जी का फेस बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से कोकोनट को वेलवेट फैब्रिक से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड पर इस तरह से मुकुट और दो ईयर्स के कटआउट्स निकाल लिए हैं और मैं इनको भी वेलवेट फैब्रिक से कवर कर लूँगी। इन पर इनको वेलवेट फैब्रिक के ऊपर रखकर उसे इसी शेप में कट कर लें और उसे वेलवेट फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर दें। ऐसे कोकोनट के बने हुए गणेशा दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। आपके घर में कोई भी शादी या पूजा हो तो आप इस तरह के गणेशा बनाकर पूजा की थाली में रख सकते हैं और ये सबको बहुत पसंद आएंगे। और उनके दोनों कान को वेलवेट फैब्रिक से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पर वीडियो में कर रही हूँ। पतली सी लेस से डेकोरेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले बाउंड्रीज पर ही ये लेस लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने गोल्डन लेस का यूज़ किया है। आप यहाँ पर किसी भी तरह की लेस का यूज़ कर सकती हैं। अभी मार्केट में बहुत सारी लेसेस अवेलेबल हैं और आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप इसके ऊपर स्टिक करके इसे डेकोरेट कर सकती हैं। सुंदर सा मुकुट बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम यही लेस को इनके कान की बाउंड्रीज पर भी इसी तरह से स्टिक कर देंगे जैसा कि हमने मुकुट पर इसे स्टिक किया था।
रेडी हैं। अब मैं इस बॉक्स के होलो पोर्शन पर ये ग्लू गन लगा दूंगी और इस कोकोनट को इसके अंदर फिक्स कर दूंगी, जिससे कि ये कोकोनट अच्छे से स्टडी हो जाएगा। अब मैं इस कोकोनट के ऊपर वाले पोर्शन पर हमारा ये बनाया हुआ मुकुट, जिसे हमने बनाया था, इसे इस तरह से स्टिक कर दूंगी। इस मुकुट के दोनों एंड पर नीचे की ओर गणेश जी के दोनों कान भी चिपका दूंगी। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 इंच का इस तरह से ट्रायंगल शेप में फैब्रिक लिया है और उसे मैं अब इस तरह से रोल कर दूंगी और जितनी आपको सूंड की लंबाई चाहिए उतनी रख के इसे मैं बचे हुए फैब्रिक को पीछे से कट कर दूंगी और इसे मैं अब गोल्डन लेस से इस तरह से डेकोरेट कर लूंगी। पर मैं इस तरह से इस लेस डोरी को रैप कर दूंगी, जिससे गणेश की सूंड भी अच्छी और डेकोरेटिंग लगेगी। गणेश के फेस पर इस तरह से स्टिक कर लेंगे और इसे नीचे से थोड़ा घुमाते हुए स्टिक करेंगे। आइस के लिए मैंने सिरामिक आइस का यूज किया है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये आइस नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर पेपर आइस का भी यूज कर सकते हैं। एक पेपर पर आइस का कटआउट निकाल लें और ब्लैक स्केच पेन से ये डॉट्स बना लें। अब मैं इस मुकुट और ईयर्स को फर्दर डेकोरेट करूंगी मिरर्स के साथ। आप यहाँ पर इसे बीट्स, मोती, जो भी डेकोरेटिंग पीसेस आपके पास अवेलेबल हो उसे इसे और भी अच्छा ब्यूटीफुल और डेकोरेटिंग बना सकती हैं। ये गणेशा और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए आपको ये गणेशा कैसे लगे मुझे एक बार जरूर बताइएगा। घर में शादी या पूजा है तो वहां कोकोनट का यूज सबसे पहले होता है, तो आप अपने कोकोनट को इस तरह से गणेशा का रूप देकर उसे डेकोरेट कर सकती हैं। आई एम श्योर आपके फैमिली मेंबर्स और गेस्ट को कोकोनट का ये रूप बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये DIY पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।